दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंजु यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके और जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं और ये प्रश्न एनसीईआरटी और एसईआरटी आधारित प्रश्न है। आज हम लोग पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे और जो ये प्रश्न है बीपीएससी पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी, जहाँ पर जीके जीएस के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा एसटेट जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है तथा सीटेट पेपर 2 जहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसएससी, रेलवे, पुलिस और वन डे एग्जाम जितने भी हैं जहाँ पर भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज रामबाण है। दोस्तों, यदि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिसका नाम है लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाह रही हूँ कि आप मेन टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटा सा मेरा काम कर दीजिए कि सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यपाल का पद होता है यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा उसे शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल के पद के लिए शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद कुछ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा। तो संविधान के 159 के द्वारा राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। यदि उस राज्य के जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा तो वो शपथ दिलाएगा या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महिला बनी थी। आइए इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि कब बनी थी, वो कौन है। तो सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। कौन? सुचेता कृपलानी। और कब बनी थी वे? 1963 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 360, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 1970 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 370 है। 370 अनुच्छेद किस भाग में है? 21 में है। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं जो भारतीय संविधान का भाग 21 है जिसमें अनुच्छेद 370 है उसमें जम्मू कश्मीर राज्य संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने का औपचारिक घोषणा की थी। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। कौन? राजा हरि सिंह। इस अधिपत्र द्वारा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी शक्तियां भारत सरकार को सौंप दी गई तथा भारत सरकार के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
परंतु 6 अगस्त 2019 को संसद की स्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। कब लागू कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। और हटाया कब गया था? 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा हटाया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? संसद में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में तथा कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित है। प्रश्न नंबर 5 है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रश्न दिया है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती रूमा पाल, सुश्री सुश्री रूमा पाल, सुश्री सुजाता मनोहर, सुश्री एम फातिमा बीबी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश सुश्री एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनी गई। प्रश्न नंबर 6 है, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जिला परिषद, ऑप्शन ए है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होंगे होते हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास व प्रशासन में आम जनता की भागीदारी तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उन जिले के विधायक एवं सांसद भी पदेन सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की किस प्रतिमान यानी मॉडल की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायत के किस प्रतिमान की अनुशंसा की थी? द्विस्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक मेहता समिति थी वे द्विस्तरीय पंचायती राज मॉडल की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, अशोक मेहता द्विस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जिसमें प्रथम स्तर पर पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांव तथा द्वितीय स्तर में जिला परिषद शामिल होगी। प्रश्न नंबर 8 है, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? बी आर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था में व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। बी आर मेहता ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, अशोक मेहता ये भी संबंधित है, के संथानम ये भी संबंधित है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां निम्नवत हैं, कौन कौन है देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 ईस्वी में मतलब आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में आई थी। जी वी के राव समिति
1985 में आई थी, एल एम सिंघवी समिति ये 1986 में आई थी, पी के थुंगन समिति 1988 में आई थी, बी एन गॉडगिल समिति, के संथानम समिति 1962 तथा सादिक अली समिति 1964 में आई थी। एक बार इसको और देख लीजिए, इससे प्रश्न बन जाता है कि कौन सी समिति कब आई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक राय मेहता समिति 1977, जी वी के राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988, बी एन गाडगिल समिति, के संथानम समिति 1962 तथा सादिक अली समिति 1964 में आई थी। प्रश्न नंबर 9 है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति मतलब त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र में शामिल है, जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति है इसमें कौन कौन शामिल है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति, जिला परिषद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र में कौन सा शामिल है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति और जिला परिषद ये शामिल है। कौन कौन, पंचायत समिति, ब्लॉक या इसे ही पंचायत समिति कहा जाता है, और एक जिला पंचायत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बारे में कुछ और जो फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसे ब्लॉक पंचायत कहा जाता है तथा जिला परिषद शामिल होते हैं, परंतु कुछ राज्यों में इससे भिन्न प्रावधान है, जैसे केरल, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, मणिपुर। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, यहाँ पर एक स्तरीय ग्राम पंचायत है, केवल ग्राम पंचायत है। और असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में कौन कौन, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में द्विस्तरीय पंचायत समिति है। कौन कौन है वो द्विस्तरीय, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत समिति है। कौन कौन है वो, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। जबकि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायत के स्थान पर एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। प्रश्न बन सकता है कि किन राज्यों में स्तरीय जनजातीय पंचायत कार्यरत है, तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न दिया है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व पर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 325 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक साधारण निर्वाचक नियमावली होगी। दोस्तों, इस तरह मेरा पूरा वीडियो समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्त मैं बहुत सावधानीपूर्वक कंटेंट को तैयार करती हूँ, यदि इसमें कुछ गलती या कुछ कमी रह जाए या मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके सुझाव जरूर प्रदान करें। और दोस्तों, एक बार मैं और याद दिला दूं कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट करके तो बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कम से कम अपने दो दो मित्रों के पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। दो फायदा होगा, ये एक आपके दोस्त को उसके हिसाब से कंटेंट मिल जाएगा और हमें भी फायदा होगा।